नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मऊरानीपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में मऊरानीपुर फायर ब्रिगेड प्रभारी नरेंद्र कुमार मिश्रा ने अपनी टीम के साथ मऊरानीपुर नगर के बिलैया चौराहे पर मॉक ड्रिल के माध्यम से आग से बचने के तरीके बताए। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कभी खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसे कैसे बुझाया जाएगा, उसके भी तरीके बताए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित व्यापारियों व दुकानदारों को बताया कि अगर कभी अचानक आग लगती है तो तत्काल सूचना मऊरानीपुर पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम को दें ताकि कोई बड़ी जनहानि होने से बच सके। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मऊरानीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे सीओ साहब, एसडीएम साहब और सीएफओ साहब के निर्देशन में ये आग बुझाने का कार्यक्रम अपने तहसील में चलाया जा रहा है। इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए कि आग ना लगे, आग लग जाए तो क्या करना है, आपको कभी घर में धुआं भर गया है उस धुआं से बचने के लिए आपके यहाँ से रूमाल बांध लीजिए, लेट जाइए नीचे, आप किसी तरह आग से घबराइए नहीं। और प्रयास ये कीजिए कि अगर घर में धुआं भरा हुआ है तो आप, अक्सर लोग खिड़कियों के पीछे तख्त के नीचे घुस जाएंगे, अलमारी के पीछे छुप जाएंगे, वो नहीं करें, नीचे लेट जाए, अगर संभव हो तो वहाँ कपड़ा बांध लें एक, और अगर अंदर धुआं नहीं जाएगा तो कभी आदमी की जल्दी दम घुटने से मौत नहीं होगी। शासन की मंशा है कि अक्सर घरों में आजकल प्रधानमंत्री के द्वारा गैस सिलेंडर लोगों को दिए गए, अक्सर इससे आग लगती है। अभी तक सर कितने जगहों पे आपने जाकर, हमने करीब करीब यहाँ पे सारे विद्यालयों में, अभी एक दिन नगरपालिका चौराहे पे, आज युवराज गैस एजेंसी के पास, ये सारा कार्यक्रम सीओ साहब के निर्देशन में कहीं जाते हैं तो मेरे अधिकारियों को पता होता है कि आज हम कहाँ ड्रिल करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम कई बार देखते हैं कि घरों में सिलेंडर से गैस लीक हो जाने पर आग लगने की संभावना बनी रहती है, उस आग को अगर हम अपना धैर्य रखें और ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना हो तो आसानी से बुझाया जा सकता है। इसी के तरीके हमारे फायर विभाग के मिश्रा जी ने काफ़ी अच्छे से बताए हैं, कई तरीके हैं। आग को बस ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देनी है, किसी भी प्रकार से वो बुझ जाती है। आप मिश्रा जी बताएंगे आपको कितने बेहतर तरीके से उन्होंने हाथ से सिलेंडर से जो है निकलती हुई आग को बुझाया है, पानी के द्वारा भी, किस प्रकार से प्लास्टिक की बाल्टी को उल्टा करने के बाद भी वो बुझाई जा सकती है। मुख्य बात यही है कि धैर्य बनाए रखें, उससे पैनिक क्रिएट ना हो, तभी उसे समय के अंदर रहते हुए। सीओ साहब के निर्देशन में जो आग बुझाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे नगर में बहुत जागरूकता फैली है और हर वर्ग के पास एक संदेश पहुंच रहा है कि अगर मेरे घर में आग लग रही है तो उसको घबराना नहीं है, प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, एक आम जनमानस के मन में जो धारणा थी व्याप्त, वो खत्म होती जा रही है। इससे हम लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, उनका हम हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं।